तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में। बजाज फिनसर्व के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इसे वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने स्ट्रेंथ लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको स्टॉक में गिरावट देखने मिली है और आज भी हमको स्टॉक में 1.45% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 1589 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी हम ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में 1525 और 1422 तक के लेवल्स भी यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1661 का पहला यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में 1774 और अगर स्टॉक ने इसको भी ब्रेक किया दैन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1877 और 2100 तक के लेवल्स भी यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।